इंसुलिन ही वाहिद हल है शुगर के इलाज के लिए? नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस जो हैं, गोलियां, वो भी हल हैं, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका मेज़बान अमान शाहिद दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात ये है कि तू गुजरे हुई ज़िंदगी को याद ना कर, जो तकदीर में नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो हो कर ही रहेगा, तू आने वाले कल की फ़िक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। जनाब, ये हमारी आज की अच्छी बात थी, और जागो साहिवाल में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, जो कि एक बड़ी ही कॉमन डिज़ीज़ है और हर चार में से एक पाकिस्तानी डायबिटीज़ से इफ़ेक्टिव है। जनाब, इसके हवाले से हमने आज एक सेगमेंट रिकॉर्ड करवाया है, डायबिटिक्स सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर हसन बिन मुनव्वर, उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है जिसमें हमने डायबिटीज़ के हवाले से बात की है। वो सेगमेंट हम आपको जागो साहिवाल में दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अरे डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जो डायबिटीज़ है, हमने देखा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एक आम आदमी को अगर वो पहली दफ़ा उसको डायबिटीज़ हो रही है या उसको शुरू हो रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ जो है वो हो रही है? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ के अंदर जो है 4th नंबर पर आया है हमारे सर्वे के मुताबिक। यानी कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हर चार में से एक फ़र्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। इसमें अलामतों में अगर जिक्र किया जाए तो जो इसकी इनिशियल जो इब्तदाई अलामात हैं, उसके अंदर पेशाब का बार बार आना, प्यास ज़्यादा लगना, थकन रहना, और इसके अलावा पैरों में दर्द होना, ये इसकी अलामतें हैं। और इसमें शुगर से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक काबिले इलाज मर्ज़ है। अगर इसको अच्छा केयर किया जाए, डाइट का अच्छा ख्याल रखा जाए और मेडिसिन टाइमली ली जाए, वक्त पे तशखीस हो जाए, तो इसका इलाज मुमकिन है। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि 3 से 4 माह बाद, हर 3 से 4 माह बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवा लें, जिसमें एक सिंपल सी सुई लगती है और उसमें आपके ब्लड के अंदर शुगर देखी जाती है, और वो इसका बेस्ट हल है। अगर आपकी शुगर कॉन्टीन्यूसली 150 से अबव आ रही है खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो इसमें यह है कि फिर हमें उसकी तशखीस की तरफ जाना। अच्छा, इंसुलिन ही वाहिद हल है शुगर से, शुगर के इलाज के लिए? नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस जो हैं, गोलियां, वो भी हल हैं, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, उससे उसका जो एक कंट्रोल है वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। अच्छा, बताइएगा साहिवाल में कोई स्पेसिफिक शुगर का कोई हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ शुगर के मरीजों को ही देखा जाता है? जी बिल्कुल, साहिवाल की तारीख में पहली दफ़ा इंशाल्लाह हम अपना द डायबिटीज़ सेंटर, जो कि पहले इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से लाहौर में, और लाहौर से हम इंशाल्लाह इसको लेकर आ रहे हैं साहिवाल मडाली रोड के ऊपर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुगर और शुगर से रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने मसले हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि डायबिटीज़ सेंटर जो है वो अनकरीब वो बन जाएगा हॉस्पिटल, तो ये बताएगा ये जो हॉस्पिटल की आपने बात की, इसमें जो इलाज होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या क्या तरीका कार होगा इलाज का? जी, इसमें बेसिकली ये हमारा जो हॉस्पिटल है चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन इसके अंदर दूसरी कैटेगरीज भी हैं। हमारे पास 2 किस्म के पेशेंट्स होंगे, जो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको ज़कात लगती है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो मुकम्मल अपना इलाज करवाना चाहते हैं पे करके, जिनको ज़कात नहीं लगती, वो अपना पे करके करेंगे, और तीसरी कैटेगरी है जिसमें 50% ऑफ होगा। तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट ये चैरिटी हॉस्पिटल है। अच्छा, आप स्क्रीनिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज को स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी करवानी चाहिए, तो स्क्रीनिंग कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए ये बताइए। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि स्क्रीनिंग हर शख्स को जिनको ये अलामतें आ रही हैं या नहीं आ रही, उन्हें चाहिए कि वो एवरी 1 in 2 months या 3 months, हर 2 या 3 महीने बाद एक दफ़ा वो अपने शुगर का टेस्ट लाजमी करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि शुगर होने की कोई स्पेसिफिक एज होती है, मतलब कि अगर इस एज में बंदा दाखिल हो जाएगा तो उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ के, या बचपन से भी बच्चों को हो जाती है, या कोई स्पेसिफिक एज फैक्टर इसके अंदर आता है या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास कैटेगरीज़ हैं डायबिटीज़ की, जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ है जो, या जो बच्चों की डायबिटीज़ है, वो तो छोटी एज में ही हो जाती है बाय बर्थ। अच्छा। इसके अलावा एक दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि हामला ख़वातीन की डायबिटीज़ है, जो कि हमल के दौरान होती हैं। अच्छा। और एक तीसरी कैटेगरीज़ है जो ओल्ड एज में होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। इसमें आपको स्क्रीनिंग ही बेस्ट हल है, जो कि आपको किसी भी एज में करवानी चाहिए, ताकि आप बर वक्त उसकी तशखीस हो सके और इलाज हो सके।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन बिन मुनवर हमारे साथ मुझसे, जो कि मेडिकल ऑफिस है द डायबिटीज़ सेंटर में। और ये साहिवाल के शुगर के मरीज़ों के लिए खुशखबरी है, ये डायबिटीज़ सेंटर मठाली रोड पर जनाब ये वाक़ है, और यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर्स के हवाले से, तो डॉक्टर्स जो हैं वो मुफ्त मशवरे भी देते हैं, मुफीद मशवरे भी देते हैं, और जो अद्वियात है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी। तो आप यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। द डायबिटीज़ सेंटर मठाली रोड साहिवाल में ये लोकेट करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब वंस अगेन, और आपने प्रोग्राम देखा, इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मैं आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाकर साहिवाल में दोबारा फिर से करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अमान शाही को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।